बहुत लंबे समय उनके साथ काम करने का और उनसे बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला है। उन्होंने तो 74 में स्वतंत्र चुनाव लड़ा था उस वक्त, और जीते थे वो। तो पार्टी तो इसी में बनी, लेकिन उसमें जब पार्टी बनने के बाद संगठन के काम में उनका साथ, उनके अनुभव, उनसे लाभ, ज्ञानी व्यक्ति थे बहुत और स्पष्ट वक्ता थे। जो कुछ कहना था वो बिना किसी लाग लपेट के कहना होता था, वो स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति थे। और भोपाल में तो उसके विकास के लिए जहाँ जहाँ अतिक्रमण वगैरह हो रहे हैं तो उस पर बुलडोजर चलाना, बुलडोजर मंत्री के रूप में ही, जब उनके पास नगरीय विकास विभाग था, मंत्री के रूप में बहुत उन्होंने काम किया और इस नाम के पर उनकी मोहर भी लग गई कि वो बुलडोजर मंत्री हैं। साथ ही साथ मैं जब विधायक बनी हूँ तो एक टर्म मुझे नगरीय विकास विभाग की जिम्मेदारी जब मिली तो उस नाते बहुत सारे गौरजी क्वेश्चंस और वो ध्यानाकर्षण वगैरह के माध्यम से उठाते थे। वहाँ पर जो कचरा जो इकट्ठा रहा था उसके ऊपर भी उन्होंने ध्यानाकर्षण दिया था। सबसे बड़ी बात है उन्होंने अपने समय में भोपाल से इंदौर की जो मेट्रो रेल की शुरुआत, मतलब बातचीत की थी शुरुआत, लेकिन फिर हमारे पास जब ये जिम्मेदारी आई तो उसको शिवराज जी, उस वक्त शिवराज जी सीएम तो पहले भी थे, शिवराज जी से बातचीत करके हम लोगों ने उस काम को पूरा का पूरा, मेट्रो के बारे में बहुत कुछ आगे कदम बढ़ाए और कंपनीज़ वगैरह तय की। लेकिन समय समय पर मुझे कोई विभाग से संबंधित अगर चर्चा या उनसे सलाह लेनी होती थी तो मैं कई बार घर जाके उनसे बैठकर बातचीत भी करती थी। बहुत स्पष्ट वक्ता थे और सबसे बड़ी बात है कि एक ही क्षेत्र से इतने लंबे अरसे से चुनाव लड़ते रहे, हर परिवार, हर घर, मतलब उनका परिचित था। उन्होंने एक बड़े परिवार के रूप में अपना क्षेत्र को बनाया था, लंबे समय से वहाँ खड़े रहे और जीतते रहे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री रहे संगठन का, तो पार्टी को बढ़ाने में और काम करने में उनका योगदान था ही था। मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और आज वो हमारे बीच में नहीं है। मन में पीड़ा और मन ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि बाबूलाल जी गौर नहीं हमारे बीच में नहीं है। नहीं, वही तो मैंने कहा ना, मैंने उनकी खासियत है कि उन्होंने अपने क्षेत्र को जिस तरीके से नरिश किया, लोगों के साथ जैसे अपनत्व के भाव से जो संबंध बनाए हैं लोगों के, वो बहुत बड़ी सीख सबको देते हैं, सबको देते हैं। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसलिए मैं अपनी ओर से उनके को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनको दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को उनको इस दुख को सहने की ताकत दे, शक्ति दे। परिवार उनका, वो परिवार के अलावा ये पार्टी परिवार भी बहुत बड़ा परिवार उनका अपना था, तो हम लोगों को भी उतनी ही पीड़ा उनके जाने की हुई है। सबसे बड़ी